हेलो एवरीवन, और इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं वायरस के बारे में। तो वायरस की हम क्या देखेंगे, यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और वायरस का क्लासिफिकेशन भी इसमें देखेंगे। और हम पहले तो हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे इसमें कि वायरस की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वायरस। तो हिस्ट्री की बात करें तो वायरस जो टर्म है इसको कॉइन किसने किया था, लुईस पाश्चर ने, ठीक है, 1890 में। और इसका आल्सो टर्म कॉइन बाय मार्टिनस बेजरनिक्स ने। तो द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट इवानुस्काई ने इसको, किसको, टीएमबी को डिस्कवर्ड किया था। वायरस जो शब्द है लैटिन भाषा की विवम से लिया गया है जिसका अर्थ विष होता है। लेटर ऑन एक साइंटिस्ट आए स्टैनली, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम इसको क्या किया, क्रिस्टलाइज किया, मतलब ठीक है, किसको, टीएमबी वायरस को। इसके बाद जो बेजरनिक्स है इन्होंने क्या कहा वायरस को, कंटाजियम विवम फ्लूडम, मतलब इसका मतलब क्या होता है, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड। ठीक है, तो इसके बाद जो वोविडेन और पीरी थे उन्होंने अपने प्रयोग के निष्कर्ष से यह जानकारी हासिल करने में सफल रहे कि जो वायरस है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए ल्यूरिया और डर्नेल, इनके अनुसार क्या है, वायरस वे अस्तित्व हैं जिनका जीनोम न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होता है तथा जो लिविंग सेल में रिप्रोडक्शन करती है, मतलब ये इनके रिप्रोडक्शन के लिए क्या ज़रूरी होता है, लिविंग सेल। अगर मैंने जो एक्सप्लेन किया है, अगर आपको अब वो वीडियो में नहीं आया हो तो देख लीजिए, ये लिखा है, ठीक है, शायद मैंने इसको ऊपर नहीं कर पाया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसके जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वायरस के, उसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट क्या है, ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन। जीवित क्या है, जीवित के प्रमुख लक्षण हैं, वायरस में तीनों प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो ग्रोथ होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है और रिप्रोडक्शन है। ये लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके क्या है, ये महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स हैं या लक्षण हैं। और ई वायरस में क्या है, तीनों प्रेजेंट हैं। और क्या है, ये म्यूटेशन भी शो करते हैं तथा वायरस के अनेक म्यूटेंट फॉर्म भी पाए जाते हैं। और तीसरा है कि डीएनए और आरएनए भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है इनमें, बट अंतर ये है कि ये पर्टिकुलर, मतलब डीएनए भी किसी को, कोई डीएनए वायरस होते, कोई आरएनए वायरस होते हैं, ऐसा होता है, एक में दोनों नहीं प्रेजेंट होती। इसके बाद फोर्थ बात करें तो इनमें जो होस्ट है उसकी स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, ये केवल जो लिविंग सेल है उसमें ही मल्टीप्लाई करते हैं। और ये क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर और ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब, ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब अगर इनको हमने सेल के अंदर से निकाल दिया तो ये क्या होती हैं, इनएक्टिव फॉर्म में आ जाती है, मतलब ये कैसे होती है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होती हैं, मतलब सेल के अंदर तो लिविंग रहेंगे बट जैसे ही सेल के बाहर या किसी भी हमने होस्ट सेल के बाहर इनको कर दिया तो क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में क्या रहते हैं, पड़े रहते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये आर्टिफिशियल मीडियम पर भी जो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम पर नहीं उगाए जाते हैं, क्योंकि पता ही है कि एक ओनली किस में, लिविंग सेल पे ही ग्रो कर सकते हैं। और ऐसे क्या होते हैं, ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में डले रहते हैं या इनएक्टिव फॉर्म में डले रहते हैं। दे कैन किल्ड बाय ऑटोक्लेविंग, मतलब अगर हम उसको हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट दें तो इसको किल कर सकते हैं, यूवी रे के द्वारा भी हम किल कर सकते हैं। नौवा क्या, वायरस दे आर पैथोजेनिक और इन्फेक्शियस। और क्या है, कुछ वायरस में जो होते हैं एसोसिएटेड विद एंजाइम, कुछ वायरस होते हैं जिनमें क्या होता है, कुछ एंजाइम का एसोसिएशन होता है, जैसे लाइसोजाइम है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, यह आरएनए से क्या बनाते हैं, यह आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करता है यह एंजाइम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अभी हमने देखे थे वायरस के लिविंग कैरेक्टर, अब हम देखते हैं नॉन लिविंग। तो वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्राप्त किया जा सकता है, ये इसका नॉन लिविंग कैरेक्टर हो गया है। जब ये फ्री स्टेट में अर्थात होस्ट या पोषक से बाहर होते हैं तो कैसे होते हैं, इनर्ट या अक्रिय, इनएक्टिव होते हैं, पदार्थ की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एबसेंट होता है तो एटीपी का सिंथेसिस भी इसमें एबसेंट होगा। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म भी नहीं होता इसमें। ये स्वतः ही कैसे होते हैं, इन्फेक्टिव नहीं होते हैं। जब ये उपयुक्त होस्ट के संपर्क में आते हैं तभी कैसे होते हैं, इन्फेक्शियस या संक्रमक होते हैं। डू नॉट एबिलिटी टू ग्रो, मतलब ये ऐसे डायरेक्टली ग्रो नहीं करते हैं, ओनली होते हैं ये लिविंग सेल में ही ग्रो करते हैं। और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी इनका एबसेंट होता है, मतलब ये अकेले ही या स्वयं अपना जीवन, मतलब अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, या स्वयं नहीं जी सकते। इसकी मतलब जीवन के लिए क्या पड़ती है, एक होस्ट सेल होता है, होस्ट सेल में ही ये ग्रो कर सकते हैं। अभी हमने वायरस के लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर देखे, अब हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस। तो इसका फर्स्ट क्या है, यह डिजीज़,
जीव से स्वस्थ जीव तक क्या होते हैं, ट्रांसमिट मतलब संचरित मतलब ट्रांसमिट होते हैं। यह प्रकृति में कैसे होते हैं, फ्री लिविंग अवस्था में नहीं मिलते, ये केवल क्या ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। यह ओनली लिविंग सेल में ग्रोथ व रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पेपर से भी क्या हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। मतलब ये जो बैक्टीरिया से जो प्रूफ होता है जिसमें बैक्टीरिया नहीं गुजर पाते, जिस फिल्टर पेपर से ये वायरस क्या होते हैं उससे भी गुजर जाते हैं। आजकल इन्हें एक मॉलिकुलर फिल्टर के द्वारा भी अलग किया जा सकता है। ठीक है, वायरस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। ये क्या न्यूक्लिक एसिड की एक कोर के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड की एक कोर की बनी होती है जो प्रोटीन कोर द्वारा घिरी रहती है। वायरस में साइटोप्लाज्म तथा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम इत्यादि एब्सेंट होते हैं। जो इसमें मेटाबॉलिक एंजाइम होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। वायरस में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है। इनका जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो प्रोटीन का बना होता है जो कैप्सिड कहलाता है। कुछ एनिमल वायरस के अतिरिक्त पॉलीसेक्राइड भी पाया जाता है, मतलब कुछ एनिमल वायरस हैं उसमें अतिरिक्त पॉलीसेक्राइड भी पाया जाता है जिसे एनवेलप बोलते हैं। इनमें डिवीजन की क्षमता नहीं होती, इनमें होस्ट स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। इसका तात्पर्य क्या है, होस्ट स्पेसिफिसिटी मतलब प्रत्येक वायरस केवल एक ही जाति को संक्रमित कर सकता है। प्रत्येक वायरस का जो होस्ट सेल होता है वो कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है कि एक प्रकार का वायरस एक प्रकार के होस्ट पर ही क्या कर सकता है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसको क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं इन पर पड़ता। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। अत्यंत सूक्ष्म आमाप प्लस मिश्रित लक्षण प्लस फॉजिल्स प्रमाण के अभाव के कारण जो वायरस का क्लासिफिकेशन एक क्या है, कठिन समस्या। अतः प्रारंभ में जो वायरस का वर्गीकरण है उसकी होस्ट रेंज और रोगी को महामारक पैथोलॉजिकल लक्षणों के आधार पर उसको निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया, जैसे प्लांट वायरस, इनवर्टिब्रेट वायरस, वर्टिब्रेट वायरस और डुअल होस्ट वायरस। प्लांट वायरस भी वायरस होते हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट, प्लांट वायरस ही किसको इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट को, इसका सब बार इसका जो सब क्लास है जैसे बैक्टीरियल वायरस, एल्गल वायरस, फंगल वायरस। आप इसके नाम से ही समझ रहे हूँ कि एल्गल वायरस एल्गी पर इन्फेक्ट करेगा, फंगल वायरस फंगल पर इन्फेक्ट करेगा और बैक्टीरियल वायरस बैक्टीरिया पर। इनवर्टिब्रेट वायरस है एक इसको करेगा इन्फेक्ट इनवर्टिब्रेट को, वर्टिब्रेट वायरस एक इसको इन्फेक्ट करेगा वर्टिब्रेट को। और जो डुअल होस्ट होते हैं दो विभिन्न होस्ट पर कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं या पराश्रित होते हैं। साइंटिस्ट होम ने तीन वर्गों में व्यक्त किया, वायरस विच अटैक प्लांट्स उसको फाइटोफेजनी, इसमें जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। वायरस विच अटैक एनिमल उसको जूफेजनी बोलते हैं, और जनरली कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होते हैं और डीएनए भी होते हैं। ठीक है, वायरस विच अटैक बैक्टीरिया नोन एज बैक्टीरियोफेजेस इसको वो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, इसके बाद आप इसकी इसका इस थ्योरी को पढ़कर स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेते जाइए, वो टेबल है, टेबल अच्छे से आपको क्लियर नहीं नज़र आ रही क्या, लीजिए के एग्जांपल सर। ये वायरस का जो क्लासिफिकेशन है उसको देख लीजिए, फाइल जो फाइलम वायरा है उसको वाटा है डीऑक्सी वायरा, राइबो वायरा में इसको तीन क्लास में बांटा है, डीऑक्सी हेलिका, डीऑक्सी क्यूबिका, डीऑक्सी विनेला। ठीक है, और एक जो राइबो वायरा है ये भी आगे है, देखते जाइए आप। ठीक है, यहाँ पर जो राइबो वायरा है उसकी भी दो क्लासें हैं, राइबो हेलिका, राइबो क्यूबिका, इसको आगे भी बताया है राइबो वायरा। ये देखिए राइबो क्यूबिका, उसी को रिपीट किया है जिसके आगे सब कुछ दिया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, यहाँ पर कंप्लीट होता है।